नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी घटना घटित हो गई है जिसमें एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार जीजा साले को भिड़ंत कर दिया है। पिकअप स्कूटी को 5 से 6 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया है, जिसके चलते सड़क पर चिंगारियां निकलते दिख रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो है जो दुर्ग भिलाई जिले से निकल कर आ रहा है और बताया जा रहा है कि नेवई भाटा निवासी दीपक गुप्ता 30 वर्षीय कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी निवासी अपने साले चंदन गुप्ता 27 वर्षीय के साथ रात करीब 11 बजे स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ब्रिज के ऊपर सामने से आ रही पिकअप ने स्कूटी को भिड़ंत कर दी थी और करीब 5 से 6 किलोमीटर तक उन्हें घसीटते हुए ले गई है, जिसका एक राहगीर ने यह वीडियो भी बनाया था। इसी दौरान चंदन की पत्नी अंजलि ने बताया कि उनके 2 बेटियां हैं, जबकि उनके भाई के भी 3 बेटा बेटियां हैं, लेकिन 5ों के सिर से अब पिता के साए उठ चुका है। वहीं इस घटना के दौरान जो वीडियो सामने आया है वह मनोज कुमार गोयल ने बनाया है और इस घटना के वक्त उसने मोबाइल से यह घटना रिकॉर्ड कर ली थी और पिकअप चालक ने 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से पिकअप को दौड़ा रखा था। इसी दौरान सेक्टर 5 में उन्हें कुछ पुलिसकर्मी वाले मिले हैं और उनसे पिकअप को पकड़ने की बात कही तो पुलिस वालों ने उन्हें ही पकड़ने के लिए कहा है। मनोज ने कहा कि अगर पिकअप को वो पकड़ते तो शायद ही सब कुछ का मामला का खुलासा हो जाता। परिजनों का कहना है कि स्कूटी में करीब 2 से 3 लाख रुपए थे और वह भी गायब है, जिसके संदेह में पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।